So hello everyone and welcome back to my channel. Guess what? We are hitting 100k followers on Instagram, guys. I am very excited. And जब से 100k हुए सारे ब्लॉगर्स सारे जो फैंस हैं उन्होंने 100k की पोस्ट और उस पर इतना अच्छा इंट्रैक्शन दिया है. वीडियो जो हमने बनाया था 100k का स्पेशली मैंने देवांग ने और मिस्टर जोकर ने जाके, तो एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा. और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए द फूडी कैंप के आईडी को. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी लोगों ने जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया है. एंड आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता गाइस. सो थैंक यू फॉर 100k. इट्स अ बिग इंस्टा फैमिली नाउ. और एक और सरप्राइज है आपके लिए. आज 100k सेलिब्रेशंस के लिए हमने कुछ प्लान किया है, क्योंकि सब ब्लॉगर्स और सभी ने जिन्होंने भी मेरे साथ इतने टाइम तक काम किया है, तो मैं उनको कुछ रिवर्ट बैक देना चाहता हूँ. तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की है. कहाँ और क्या है सब आपको पता चल जाएगा इस व्लॉग में. तो मेक श्योर आप ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी. बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस. मैंने बहुत अच्छा अच्छा प्लान किया है, तो मेक श्योर ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. एंड स्पेशली ये वीडियो है 100k सेलिब्रेशन व्लॉग. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो गाइस. सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे. 100k सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने 3-star होटल जो सूरत की है उसे बुक किया है. वाह, मतलब सूरत का फर्स्ट ब्लॉगिंग इवेंट, इन्फ्लुएंसर इवेंट, जिसमें हम लोग 3-star होटल बुक कर रहे हैं. हमें दिखना गाइज, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको. दी ग्लांस होटल के बारे में आपको बता दूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन है सूरत उससे थोड़ा ही आगे है, 100 मीटर 200 मीटर में. एक बार आपको लोकेशन पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये 3-star होटल है तो लग्जरियस है, बहुत ही मज़ा आना है. मुझे इसका स्पेशली एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, एकदम वाइट थीम पे है तो मज़ा आने वाला है. एंड दी ग्लांस होटल का टूर अभी आपको थोड़ी देर में करवाऊँगा, तो आपको ज़्यादा भी आइडिया आ जाएगा. तो चलिए अंदर चलते हैं होटल में. तो गाइस होटल वालों ने हमें रूम भी अलोकेट किया है 405. एंड हमारा लगेज ऑलरेडी पहुंच चुका है. एक बार रूम चेकआउट करते हैं कि रूम इनका कैसा है. एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा है. एक बार देखिए लॉबी में भी बहुत सारे पेंटिंग्स लगाई है इन्होंने, तो एकदम पीसफुल सा लगता है. एंड बहुत सारी ग्रीनरी भी है आजू बाजू, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक्चुअल में स्टेशन और सिटी एरिया के बीच में हो. यहाँ पर इतना काम एंड सुकून भरा अभी माहौल है. तो एक बार चेक इन करते हैं रूम में हमारे. ये हो गया अनलॉक. वाओ, ओह, इसे बोलते हैं 3-star लग्जरियस होटल. दो लोगों के लिए इनफ है. फैसिलिटी में यहाँ पे टीवी है, एसी है, देन बेड जो काफ़ी सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है. ऐसे जनरली बेड मिलती नहीं है. और ये मिरर, वॉशरूम एक बार चेकआउट कर लेता है. वाओ, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है. स्पेशल वॉशरूम में दी ग्लांस होटल की आपको शैम्पू एंड बॉडी वॉश सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे भी आओगे तो यहाँ पे हर सारी चीज़ मिल जाएगी. हेयर ड्रायर तक भी रखा है. एक्चुअली मैं हेयर ड्रायर कैरी करके लाया था, मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन
अमेजिंग, यहाँ पे हेयर ड्रायर भी है जो आज तक मैंने किसी होटल में नहीं देखा। इवन मैं इससे पहले भी काफ़ी रिसोर्ट में गया हूँ, वहाँ पे भी नहीं था। तो ये इनका प्लस पॉइंट मुझे लगा एडिशनल जो है। इमरजेंसी के लिए यहाँ पे कॉल भी रखा हुआ है वॉशरूम में। वाओ। तो गाइस ये था होटल का रूम। थोड़ी देर हम लोग करेंगे आराम और उसके बाद हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। डेकोरेशन का काम ऊपर टेरेस पे चल रहा है। एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहला ऐसा होटल है जो रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है सूरत में। इससे पहले काफ़ी होटल्स थे लेकिन बंद हो चुके। बाकी कैफेज़ है रूफटॉप, लेकिन होटल जो 3-स्टार होटल रूफटॉप वो ये पहला है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे डेकोरेशन और वो सब का काम चल रहा है, तो एक बार वो भी चेकआउट करेंगे। अभी करते आ रहा हूँ, आपको मिलते बाद में गाइस। हेलो गाइस, आज हमारे साथ है अंजुम भाई जो यहाँ के GM है, ड्यूटी GM। सर हमें थोड़ा बताइए द ग्लैंस के बारे में, कैसा आपको ये नाम आया और मुझे पूरा प्रॉपर्टी टूर भी कराइए। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली आपको पूरा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा और यहाँ की क्या क्या एमिनिटीज है हमारी, वो भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए ये हम लोग का रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन एरिया जी बिल्कुल। सेकंड एमिनिटीज जो है वो है कॉफ़ी शॉप जो है बरिस्ता कॉफ़ी शॉप जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारा लाइव कैपेचिनो वगैरह है, कैपेचिनो है, कैफे लाते हैं, कैफे मोका है। तो सर मुझे ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बताइए, डिटेल दीजिए मेरे यूजर्स को। बिल्कुल, तो ये हमारा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है अल्यू एंड उसका कैपेसिटी है 58 कवर का। एंड यहाँ पर हम लोग वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें सर्व करते हैं। एंड क्यूजिन की बात की जाए तो इसके अंदर इंडियन है, मतलब पंजाबी फूड है, चाइनीज़ है, मैक्सिकन है, इटालियन है, तंदूर है, इवन हम लोग के पास अरेबिक डिशेज भी हैं जो कि मंदी के नाम से वेल नॉन है। चिकन मंडी एंड मटन मंडी, राइट मंडी, एग्जैक्टली। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रूम देखने। सर जी हमें रूम पूरा टूर करवाएंगे। वैसे कितने फ्लोर है सर? पांच फ्लोर है। और टोटल कितने रूम्स है अपने यहाँ पर? 38 रूम्स है। 30 है और इसमें कुछ कैटेगरी है किस हिसाब से सर? इसमें टोटल 5 कैटेगरीज है पांच के पास। एंड उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है हम लोग का वो है कोजी, किंग साइज बेड रहेगा, स्टैंडर्ड रूम साइज रहेगा एंड सारी एमिनिटीज के साथ। तो पहले हम लोग चेकआउट करेंगे कोजी। ये फर्स्ट कैटेगरी हम लोग का है होटल का रूम कोजी रूम। यहाँ पर आपको किंग साइज बेड मिलेगा। ये कोजी रूम है, ये फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर किंग साइज बेड रहेगा। और सेकंड कैटेगरी जो हम लोग ने देखा था वो है क्लोन, जहाँ पर दो सेपरेट बेड रहेगा, सिंगल बेड। एंड ये कोजी में किंग साइज बेड रहेगा फुल साइज में। नाइस। ये थर्ड कैटेगरी रूम में ये है ट्राइब रूम। ट्राइब यहाँ पर नॉर्मली ये फैमिली रूम्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो फैमिली के लिए भी अलग से कैटेगरी है ट्राइब रूम की। यहाँ पर आपको वन किंग साइज बेड मिलेगा एंड वन सेपरेट सिंगल भी मिलेगा। तो ये एज कम्पेयर टू कोजी एंड क्लोन रूम से स्पेशियस भी है, साइज में भी बड़ा है एंड एक एक्स्ट्रा बेड भी आपको मिल जाता है अगर कोई छोटे बच्चे ऐसा कुछ भी है तो उनके लिए। अगर 3 मेंबर्स भी हैं तो एक साथ अगर सपोज स्टे करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल में है या एक बड़ा किड्स है या फैमिली में साथ में ऐसे है तो उस हिसाब से यहाँ पर अरेंज हो सकते हैं उनका। ओके, और अभी अपना फोर्थ वाला कैटेगरी आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो दिस इज आवर फोर्थ कैटेगरी रूम में पॉश। नाम से मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा लग्जरियस होने वाला है। लुक एट दिस, दिस इज अ राउंड बेड ओ रूम। तो सर जैसे कि हमने पहले 3 रूम देखे, इसके अलावा यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एक तो मैंने देखा कि राउंड बेड है, उसके अलावा और कुछ इसकी फैसिलिटी जो बाकी रूम से इसको अलग करती है? वैसे नॉर्मली ये रूम्स सारे राउंड का उसमें रहेंगे एंड नॉर्मली ये सारे रूम्स हम लोग के फ्रंट व्यू में है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है अगर आप पॉश रूम लेते हो तो आपको सिटी व्यू तो मिलता है लेकिन वो भी फ्रंट फेसिंग। बिल्कुल, यहाँ से मेन रोड भी है एकदम कंप्लीट। और जैसा कि अगर कोई बुक करवाना चाहता है रूम्स तो कैसे इंक्वायरी और कैसे बुकिंग कर सकते हैं?
अगर रूम बुक करवाना है तो आप हम लोग का नंबर है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर भी है 9512444110। ओके, सो वो नंबर पे आप कॉल करके कोई भी रूम बुक करवा सकते हैं, या जो भी क्वेरीज रहेगी आप वो नंबर पे कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, मैं नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो एक बार अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो एक बार नंबर पे फोन कीजिएगा, अंजुम भाई फोन उठाएंगे तो आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर देंगे। तो सर अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और एमिनिटीज की तरफ के क्या क्या और है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा हम लोग का जो प्रीमियम रूम है, प्रीमियम इससे भी ऊपर एक रूम है, पॉश से भी ऊपर और क्या हो सकता है सर। ऊपर होता है हमारा अज्यूर रूम, Azure. Okay. Yes, that is something extraordinary room. आइए मैं आपको बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। Okay, चलिए। So guys, जैसे मैं बता रहा था आपको, this is our premium room. Azure. Yes. This is something. Look at this. Wow. ये जो आपने दिखाया पॉश, उससे भी ज्यादा लग्जरियस और उससे भी ज्यादा बड़ा है स्पेसिस। राइट, बिल्कुल, एज कम्पेयर टू अदर रूम से ये सारे रूम से स्पेशियस भी है, बड़ा है, राउंड बेडेड है। एंड देखिए इनका बेड जिस हिसाब से डिजाइन किया है, मैंने जो बाकी सारे रूम्स देखे उसमें से मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज आवर मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल रूम्स for every guest. And this is our bathroom of Azure room. So in that you will find the jacuzzi. Okay, तो इसमें jacuzzi भी है। Right sir. तो couples के लिए तो ये favorite होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So this is our fitness center. Fitness center वो भी यहाँ पर, मतलब ऐसा मैंने बहुत कम ही देखा है कि किसी होटल्स में अगर जिम और वो सब के भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है यहाँ का सर। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ बुटीक होटल, तो यहाँ पर हम लोग सारी जो लग्जरियस एमिनिटीज हैं, फैसिलिटीज है, वो हम लोग हमारे यहाँ गेस्ट को देते हैं। वेरी नाइस, वेरी, मतलब जो भी यहाँ पे स्टे कर रहा है वो सारी चीजें यूज कर सकता है। राइट, स्टे सॉरी होम अवे फ्रॉम होम। नाइस नाइस। सो ओवरऑल यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए तो बाहर जाने का मन भी नहीं होगा। मेरा जैसा भी नहीं हो रहा है। जी, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर एक गेस्ट को हम लोग सारी एमिनिटीज से अच्छे से उनको सर्व करें। Nice. और जो एक स्टैंडर्ड है वो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये सारे एमिनिटीज, बहुत कम होटल्स में मैंने देखी है। तो मतलब मेरे लिए तो अगर मैं सूरत के बाहर भी नहीं जाना चाहता तो सूरत में यहाँ आकर भी स्टे कर सकता हूँ। सो गाइज, अभी बजे है कुछ एक और हमने ऑर्डर किया हमारा लंच, लंच आता ही होगा। आई गेस हमारा लंच आ चुका है, देखते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे तो। अरे भाई 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 भाई, भाई। मैं तो लंच का वेट कर रहा था और ये भाई ने सरप्राइज दे दिया। चलो भाई, मेरा विजेंद्र भाई आ चुका है भाई। मेरे को सुबह क्या स्कीम बनाई कि नहीं आने वाला, बोले थोड़ा काम में बिजी हूँ। मैंने इतनी गाली दी, अभी भाई आ चुका है। चलो भाई, बढ़िया है, अभी मजा आएगा। और तो गाइस फाइनली हमारा लंच आ चुका है। लंच में हमने जो ऑर्डर किया था वो मुझे याद है, चिकन चिली और एक स्पेशली इनकी जो ग्रेवी वाली डिश है चिकन की, एग्जैक्टली नाम याद नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिखा दूंगा जब मेरे पास प्रॉपरली नाम आ जाएंगे। तो चिकन ही है, सारी चिकन डिशेज है। हमने वेज स्टार्टर में भी चिकन ही मंगवाया है। बहुत हो गया वेजिटेरियन। देवांग बोल रहा था कि यहाँ के कौन घास फूस खाएगा, तो हमने स्पेशल सब नॉन वेज ही मंगवाया। तो टेस्ट करते हैं लंच और इंजॉय करते हैं हमारा लंच फिलहाल, तो अभी आपको मिलते हैं बाद में। भाई कैसा है फूड देवांग? एकदम जबरदस्त। जोगेश भाई? भाई एक नंबर। मेरा भी ये फेवरेट अभी तक का चिकन चिली। अभी तक मैंने सूरत में कहीं पर इतनी सॉफ्ट चिकन चिली नहीं खाई, और चाइनीज भी इसमें रहता है फिर भी इतना हार्ड मसाला नहीं है। बाकी बहुत जगह पे क्या होता है कि एकदम ओवर स्पाइसी कर देते हैं, एक्चुअली में चाइनीज इतना स्पाइसी रहता नहीं है। तो मज़ा आ रहा है ना गाइस? हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, अभी मिलते हैं आपको बाद में। सूरत में रहकर होटल में रहकर सभी प्रेशर। मैं और मेरी टीम अनवर भाई, कैसा लग रहा है? पहले तो अनवर भाई को बिग थैंक्स, क्योंकि अनवर भाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
अचीवमेंट में हमारी अचीवमेंट है और कुछ नहीं। बहुत अनवर भाई हमेशा सपोर्टिव रहे हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच, बिग थैंक्स टू अनवर भाई। और बाकी तो आप जानते हैं मेरे टीममेट्स को, योगेश भाई एंड चिराग। तो अभी हम लोग 100 के सेलिब्रेशन के लिए एकदम मतलब सबने क्लाइमेक्स आ चुका है हमारे इस शॉर्ट वीडियो का। तो अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं, सारे गेस्ट भी नीचे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जो नहीं है वो भी आते रहेंगे, हम लोग रेडी होते जाएंगे। देन अभी चलते हैं, हम लोग रेडी होंगे आपको फिर से मिलते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। सो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब ब्लैक एंड ब्लैक ऑनर हमारे पैसे देने वाले आज हमको खड़े। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, सब ब्लॉगर्स लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अभी सेलिब्रेशन के हमें वेट है, आज सेलिब्रिटी जैसा लग रहा है, सब वेट कर रहे हैं नीचे। सही है और ये रिव्यू भाई कहाँ चले, घर पे हो गया क्या? चलो बैठो बैठो, कहाँ चले? गेम शो रूम मैम, थैंक यू सो मच। और ये मेरे नटखट, हाय नटखट आशीष, थैंक यू। और ये सबसे बड़े ब्लॉगर आ चुके हैं, टेस्टी सीट फूड के ओनर। और ये हमारे दीप भाई, टाइनी सूरत सिटी के ओनर। कैसा है भाई? हाय जी, हाय 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 हाय, थैंक यू। 101 हां भाई, डबल पार्टी चाहिए इसको, इसको ब्लैक बोला, ब्लैक नीचे देखना, नीचे ब्लैक है। चलो मैं एक बार बदलवा जाऊं। और हमारे गुरुजी सर रोहन भाई, तुम लोग सबका बॉडी कैसा हो सर? एकदम भाई, एकदम वाइट एंड वाइट में ऐसा बॉटल जैसा लग रहा है मेरे को। तो आजा, आज एक दो पे केस छोके देंगे। और ये हमारे भाई 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 मोहन के क्रिएटर, जोश के क्रिएटर, फेसबुक इंस्टाग्राम सबके क्रिएटर माहिर भाई। कैसा भाई? बढ़िया भाई। और मैं शांति में पहला ऊपर पहला ऊपर और कहीं नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है। चल जा भाई, कोई और બીકોઝ કે
चैलेंज करना है। क्या कौन सा चैलेंज करना है, बीच में क्या करना है? ये देख सकते हैं माहिर भाई, माहिर भाई का कौन सा अपना गुआ है ना। हां अनवर भाई पहले खावा जाए पछि आपको पीने से सौदा पता आपको चाहिए 30 सेकंड के हम से पहला गुआ में चला। ए नजर रखो, काउंट डाउन 2 3 गो शरीन, जल्दी जल्दी भाई, बड़ा बड़ा खा 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 शरीन। तो आज के विनर है बच्चा थोड़ा वन पूरी कैंप और रमेश रमेश लगा है यहां पे और स्क्वायर का मतलब हाफ प्लेट रखी आप ले सकते हो। हमारी का भी बोल मुझे अलाइनमेंट घोड़ा है, मैं करती हरकी जा। ये क्या हो रहा है, गियो पक गियो अलाइनमेंट घोड़ा है। सब बना दिया ना यार, भाई वो तुम्हारी लाइन आई आजू बाजू। ये लोग जो कर रहे हैं ना कसम डर लग रहा है मुझे। वाह आज तो तेरे को रहा है अभी आएगा स्टार्ट। चलो भाई थैंक यू फॉर कमिंग, मजा आई, मजा आएगी भाई एकदम। रोहन भाई मजा आएगी वो लाइको एकदम टकाटक, थैंक यू मजा आएगी फॉर कमिंग। आगे अली भाई क्या लाइको अली भाई मजा आएगी एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर 100K। थैंक यू अली भाई। जेविन કેવો તો ફૂડ મજા આવી નો ભાઈ ના તો નો ભાઈ છેલ્લી વાર તો ફૂડ બ્લોગ એમાં એવો ખબર પડે કે એક તો ફૂડ બ્લોગિંગ થાય મજા આવી આ જોજો દોસ્ત ને મહેંગ ભાઈ કેવો તો મજા આવી પહેલી વાર નોનવેજ ખાને કે લિયે સ્ટેશન પે સબસે બેસ્ટ એમ્બિયન્સ ઓર ફૂડ કા ટેસ્ટ ઓર ક્વોલિટી ઇસ જગહ પે હૈ તો મેં સજેસ્ટ કરું કે આપ યહાં પે જરૂર આયે આપ ફૂડ સિટી મે વિઝિટ કર રહે હો પર હોટેલ હૈ યે રૂમ હૈ યહાં પે મસ્ત ખાના સો જાના ફિર ચલે જાના भाई जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि टेस्टी स्ट्रीट फूड ने बोला है ठीक है, तो आप समझ जाओ वो नाम ही काफी है। What do you want me to say? Mithul bhai, kyo laigo maja aavi? It was a very good experience. First of all, congratulations to Vatsal Jariwala on completing these beautiful, thank you. Numbers, 100, and next we are looking forward to 1 million, okay? So, hame aaj ek bahut moti baat se mara mate to pehle. No, that's good. It's absolutely his hard work, okay? We're just paying him back. And the place, we are talking about the D-Glance Hotel, it is very good. वीडियो में आप देखेंगे आगे भी कि कितना ब्यूटीफुल ये बिल्ड हुआ है। वेयर इन दिस रेस्टोरेंट इट इज बाय द नेम एल्योर आई गेस राइट, इट्स ब्यूटीफुल मेड, एक बार विजिट करके देखिए। द फूड इज सुपर्ब, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस है, वी ट्राइड द वेज वंस एंड इट वाज वेरी गुड। वी आफ्टर इयर्स वी ट्राइड अ वेरी गुड एंड ऑथेंटिक फिर्री विच वाज सर्व्ड इन अ कूलर एंड इट वाज वेरी गुड। सो यू गाइस विजिट D-Glance, ये रेलवे स्टेशन के पास है। एंड अगेन कमिंग बैक टू द मेन ओकेजन, Vatsal Jariwala, thank you so much. Thank you. He has so always much, been something like my younger brother, and he'll always be a younger brother. So guys, finally 100K celebration हो चुका है हमारा, बहुत ही मजा आया। पीछे आप हालत देख सकते हो टीम वालों के, ये योगेश भाई, देवांग कैसा रहा भाई, मजा आया? चिराग एनर्जी लो चुकी है। और मैनी थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनवर भाई ये सब अरेंज करवाने के लिए, विदाउट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। वी हैव अचीव्ड 100K और हमारे सूरत में पहले ब्लॉगर इसने इंस्टाग्राम पर 100K अचीव किया, तो ये तो हमारा फर्स्ट बनता है कि उनके लिए करे कोई ना। थैंक यू सो मच अनवर भाई, आप जैसा हर कोई नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, वो तो होता रहता है। और हाँ, मैं और अनवर और भी बहुत सारे कंटेंट शूट करेंगे। हाँ, और रिगार्डिंग होटल मैंने पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। yes. और मैंने कॉन्टेक्ट नंबर फिर से यहाँ पे डिस्प्ले करा, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग स्टे फूड और कुछ भी, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी तो मैं डिटेल्स डाल ही दूंगा। और एंड आवर रेस्टोरेंट एलियोर इज आल्सो अवेलेबल ऑन Zomato, स्विगी एंड गूगल, एंड आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो अगर आप कभी यहाँ विजिट करते हो। ऑल्सो D-Glance की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मेक माई ट्रिप एडवाइजर, वो सब अवेलेबल है। सो यू कैन चेकआउट देर, और इफ यू वॉन्ट एनी क्वेरी रिगार्डिंग D-Glance होटल पर आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन वॉट यू वॉन्ट।
यस तो सारी इन्फॉर्मेशन अनवर ने दे दी है. फूड बहुत ही अच्छा था, स्पेशली वो चिकन चिकन मंडी. आपको चिकन मंडी तो सूरत में मैंने अभी तक तो कहीं नहीं गई और आई थिंक कहीं मिलेगी भी नहीं, जहाँ पे स्पेशली आप मैं तो ये खाने आऊंगा चिकन मंडी. सून वी आर आल्सो टेस्टिंग अ मटन मंडी. मटन मंडी लॉन्चिंग हियर, सो उसका ही वेट आपको भी करवाएंगे, उसका मेकिंग का वीडियो हम अच्छल भाई को बुलाएंगे वो सब करने के लिए. माय प्लेजर. और ठीक है बाकी सब 100K का सेलिब्रेशन तो ठीक है, वो तो अभी इंस्टा पे हुआ. यूट्यूब पे भी आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी 100K पहुंचाना है मुझे. अभी तक अगर आपने अनवर भाई को भी फॉलो नहीं किया तो उनको भी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, उनका भी स्ट्रीट फूड का काफी अच्छा अच्छा कंटेंट है. यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फूडी मूडी अनवर, इंस्टाग्राम यूट्यूब एज वेल. जो वत्सल भाई करते सेम एज हमारा भी वैसा ही पेज है. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर नॉनवेज थिंग्स सो यू कैन विजिट माय पेज. थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए द फूडी कैन चैनल को. थैंक यू भाई, थैंक यू. तो मिलेंगे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में नए अचीवमेंट्स के साथ, होप सो. एंड चले तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. टीम फूडी गेम, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ.